हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर वेसू सूरत। नमस्कार। पहले तो आप सबको विश्व मासिक स्त्राव दिन पे हार्दिक शुभेच्छा। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज आपको जानकारी देने वाली हूँ कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पहले तो 28 मई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस रहता है और अवेयरनेस की क्यों आवश्यकता है। जैसे बिंग गायनेकोलॉजिस्ट, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सबको पता है कि भारत देश में मेंसेस के बारे में अगर किसी को बात करनी है तो उनको बहुत शर्म आती है। पीरियड्स जो है उसको एक सोशल टैबूज माना जाते हैं और लोगों में काफ़ी सारा फियर होता है, फोबिया रहता है, एंजाइटी होती है पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट अ पीरियड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे किसी को प्रेगनेंसी रुकती है तो बेबी शावर होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो क्यों ना फर्स्ट पीरियड को भी सेलिब्रेट किया जाए। सो जब भी आपकी डॉटर को या कोई भी लड़की को पीरियड शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, तो यह एक इंडिकेशन है कि यह लड़की जो है उसका प्यूबर्टी का पीरियड आ गया है, वह एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ गई है और जैसे ही उसकी एज होगी, उसकी शादी होगी, तो वह प्रेगनेंसी मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हम बोलते हैं, तो वह एक ग्रुप में एंटर हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, जैसे पहले बताती हूँ मैं कि प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है। प्यूबर्टी का मतलब है कि जैसे कोई लड़की है, 8 साल की है, 9 साल की है, धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे ही उसके बॉडी में थोड़े चेंजेस शुरू होते हैं। यह जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं। जैसे शुरुआत होती है फर्स्ट इज थैलर की, यानी कि ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। उसके 6 महीने से 1 साल के अंदर उसके प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट शुरू होता है और उसके 6 months to 1 year के बाद उसके पीरियड शुरू होते हैं। सो यह जो फेज है उसे थैलर की, प्यूबर्की एंड मेनार्की, यानी मेनार्की का मतलब है कि अभी उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। मेनार्की का मतलब है कि फर्स्ट पीरियड शुरू होना। जैसे पहले के ज़माने में ऐसे था कि पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड की शुरुआत होती थी 14 से 16 साल के बीच में, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में पीरियड, फर्स्ट पीरियड की जो शुरुआत है वो 8 साल से लेकर कभी भी हो सकती है। जैसे अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी मदर इतनी पैनिकी थे कि मैम मेरी बेटी का पीरियड 8 साल में शुरू हो गया है। वो जो दिन मेरे पास आए थे वही दिन उसका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड था, और फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट पीरियड था। जैसे जो मदर है उन्होंने बताया कि मैम मेरा पीरियड तो 16 साल में शुरू हुआ था, मेरी बेटी का पीरियड इतना जल्दी क्यों शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, जो भी मदर आज अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका पीरियड 16 साल में शुरू हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी का पीरियड 16 साल में ही शुरू हो। आज का जो खाना पीना है, आज की जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो पीरियड का एज है, फर्स्ट पीरियड का एज वो काफ़ी नीचे चला गया है और एज लो एज 8 years। सो 8 साल से लेकर कभी भी आपकी बेटी का पीरियड शुरू हो सकता है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जैसे मैंने बताया कि 28 दिन से लेकर प्लस और माइनस 7 days, यानी कि अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, उसका पीरियड अगर 21 दिन से लेकर 35 दिन के अंदर आ रहा है तो उसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है वो 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग शुरू रहता है। अभी काफ़ी पेशेंट आते हैं कि मैम मेरे पीरियड 25-25 दिन में आते हैं तो क्या यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो 21 दिन से लेकर 35 दिन के अंदर अगर आता है तो
तो यह एब्सोल्युटली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपको गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज एबनॉर्मल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जो पीरियड्स हैं, जैसे 21 दिन से कम दिन में आपके पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे 15-15 दिन में शुरू हो जाते हैं, या तो आपके पीरियड्स 35 डेज से ज़्यादा यानी कि 1.5 महीने के बाद आते हैं, 2 महीने के बाद आते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, अगर आपके पीरियड्स ऐसे अनियमित है या तो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, पीरियड्स के दौरान जो आपका ब्लीडिंग हो रहा है वो अगर 7 दिन से ज़्यादा चलता है या तो 1 या 2 ही दिन चलता है, बहुत ही स्केंटी मेंसेस है, यदि पीरियड्स का जो फ्लो है उसमें गट्ठे गट्ठे निकलते हैं, अगर क्लॉट्स वगैरह आते हैं, आपको पीरियड शुरू होने के 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले पेड़ों के भाग में पेन शुरू हो जाता है, तो यह सब चीज़ नॉर्मल नहीं है और आपको गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको यह पता होना चाहिए कि कभी आपको गायनेक कंसल्टेशन की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, काफ़ी पेशेंट मैं देखती हूँ कि जैसे उनको पीरियड शुरू होने के पहले ब्रेस्ट में हैवीनेस डेवलप हो जाता है, पेट का जो भाग है वो फूट गया है, या तो बॉडी एकदम हैवी फील होता है। आज सुबह में एक पेशेंट देखा कि मैम, मेरे पीरियड्स आने के 1 हफ्ता पहले उसे रोना आता है, कोई रीज़न नहीं है, या तो उसको रोना आता है या जो है इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS कहा जाता है। PMS जो है बेसिकली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस PMS होता है, और PMS के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको वेट गेन जैसा लगता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आने लगता है, विदाउट एनी रीज़न रोना आता है, या तो लेग में क्रैम्प्स आते हैं, कोई पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग उल्टी जैसा लगता है उनको, या तो उल्टी होती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, तो यह जो सिम्टम्स है, किसी को हेडेक की शिकायत रहती है, तो यह जो सारे सिम्टम्स है, यह सब सिम्टम्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के हो सकते हैं। और जनरली जो होम रेमेडीज आपको करना है PMS प्रिवेंट करने के लिए, वो यह है कि आपका पीरियड्स कंप्लीट हो जाता है उसके 15 डेज के बाद, या तो आपका नेक्स्ट पीरियड आने के 15 दिन पहले आप ध्यान रखें कि आपका जो वाटर इंटेक है वो बढ़ा दें, आपका जो सॉल्ट इंटेक है, जो नमकीन आप खाते हो उसका इंटेक आप 50% कम कर दें, आपका जो शुगर इंटेक है, वाइट चीनी जो है शुगर, उसका सेवन आप 50% रिड्यूस कर दें, आपका जो जंक फूड वगैरह का जो इंटेक है वो कम कर दें या तो बंद कर दें। आपको बेसिकली जो ज़रूरत है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपका जो फूड है वो आप हेल्दी फूड हैबिट्स रखें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, हाई फाइबर इंटेक रखें, लो कार्बोहाइड्रेट फूड का इंटेक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, और आपकी जो नींद है वो एटलीस्ट 6 to 8 hours की साउंड स्लीप आप लें। अगर आप इतना करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 60 to 70% की PMS के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। इन केस आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तभी जनरली जो हम देते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहते हैं, विटामिन ई है, प्राइमरोज ऑयल कैप्सूल है, यह सब हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम, जो पीरियड्स के टाइम पेट में दर्द होता है तो क्या यह नॉर्मल चीज़ है? तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान अगर आपको पीरियड शुरू होने के 12 या 24 घंटा पहले पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो यह एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है, क्योंकि जब पीरियड्स शुरू होते हैं या तो शुरू होने वाले होते हैं, तभी अपने बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, और बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको कमर में दर्द हो सकता है और पेट के भाग में दर्द हो सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दूसरा, कि जो गर्ल्स हैं अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे हम जनरल डिसमेनोरिया कहते हैं, सो अगर जो गर्ल्स हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम है, तो जो होम रेमेडीज हैं, घरगथ्थू आप क्या कर सकते हो,
कि हॉट वाटर बैग का जो फर्मेंटेशन होता है वो कर सकते हो, उसको जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह है वह कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो मेफ्टल्स पास करके टैबलेट आती है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के माइंड में यह मिथ या तो काफ़ी लोगों में यह कन्फ्यूजन होता है कि मैम हम लोग तो पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है ना वो बेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस युग में मैं बताना चाहती हूँ कि हर फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर वर्किंग है, आप अगर स्कूल गोइंग है, स्टूडेंट है, और बिकॉज ऑफ पेन आपको ऑफिस नहीं जाना या तो स्कूल में ऐसा छुट्टी ना हो, उसके लिए आप मेफ्टल्स पास टैबलेट लेके आराम से अपना काम कर सकते हो। और मेफ्टल्स पास जो टैबलेट है उसकी एज सच कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप एवरी 6 आवर्स मेडिसिन रिपीट कर सकते हो। दूसरा है कि काफ़ी अपने समाज में मिथ्स रहते हैं कि जैसे पीरियड शुरू हुआ है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मंदिर में पैर नहीं रख सकते हैं। तो जनरली जो पहले के जो बुज़ुर्ग लोग थे उनके माइंड में ऐसा था कि जो मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है, उसे गंदगी माना जाता था। सो उनको लगता था कि अगर यह जो पर्सन है जिसका मेंस शुरू हुआ है वो एक खराब चीज़ है मतलब, तो इसके लिए उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था। लेकिन आज के इस युग में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से अपने मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरा, काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब भी पीरियड्स में है तभी आचार का जो डिब्बा है उसको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने टच कर लिया तो आचार खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आचार को कहाँ पता है कि आपके पीरियड्स शुरू है। सो यह जो मिथ है यह टोटली रॉन्ग है। और मेरे जो जो एक्सपेक्टेशन है या मेरी जो कोशिश है अपने जो सोसाइटी है उससे कि आपके घर में भी अगर ऐसे सब मिथ्स हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर से देखें और इसे शेयर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं या तो आपके नियर डियर हैं उनको भी शेयर करें कि यह जो है सब मिथ्स है, यह सब गलत मान्यता है या तो गलत फहमी है, और इसे लोगों के दिमाग से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है कि काफ़ी लोगों के माइंड में और भी मिथ्स रहते हैं कि जैसे पीरियड्स के दौरान, आप सबको पता ही है अभी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और बीच में ऐसा समय था, और आज भी मुझे मिनिमम आज के दिन में 10 फोन आ चुके हैं कि मैम पीरियड्स हैं तो फिर वैक्सीन तो अभी नहीं ले पाएंगे, तो बाद में कभी वैक्सीन ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। मेंस्ट्रुएशन और कोविड वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है, और कोविड वैक्सीन की ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपके मेंसेस चल रहे और आपने वैक्सीन लिया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अपने पास वैसा ही एक सवाल है कि इज इट सेफ टू टेक कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो यस फ्रेंड्स, आराम से आप वैक्सीन ले सकते हो, और पीरियड्स की वजह से आपकी वैक्सीनेशन का डोज डिले करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक सवाल है अपने पास, मैम व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आइडियल एज ऐसा कुछ नहीं है, 8 साल के बाद कभी भी लड़की को पीरियड शुरू हो सकता है। जनरली अगर 16 साल तक की उम्र में पीरियड नहीं शुरू होता है तो उसको एक गायनेक चेकअप करवाने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आप यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो यह यूट्यूब पे या तो फेसबुक पे देख रहे हैं, तो उनके लिए खास कि आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। और यह लाइव सेशन चल रहा है तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके यह सवाल के जवाब दे सकूँ। दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए अवेयरनेस करना क्यों आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, पहले मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे काफ़ी घरों में क्लोथ यूज़ होता है, काफ़ी महिलाएँ रहती हैं वह जो कॉटन का कपड़ा रहता है वह इस्तेमाल करते हैं। सो जो भी लोग यह कॉटन का क्लोथ यूज़ करते हैं उनके लिए खास मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो क्लॉथ है उसे आपको
धूप में सुखाना है, अच्छे से वॉश करना है और उसको धूप में सुखाना है। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि यह जो कपड़ा रहता है वो घर में ही वो लोग सुखाते हैं, ह्यूमिडिटी रहती है, सनलाइट नहीं मिलता है तो यह डिसइंफेक्ट नहीं होता है। और उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं यह एक रीज़न बनता है वजाइनल इन्फेक्शन के लिए, या तो जो प्राइवेट पार्ट्स की जो स्किन रहती है उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हो सके तो आप आइदर डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें या तो टैम्पून्स यूज़ कर सकते हैं। और अभी अपने पास जो है इको फ्रेंडली जो चीज़ है दैट इज़ अ मेंस्ट्रुअल कप। अपने पास एक क्वेश्चन भी आ गया है कि मेंस्ट्रुअल कप, वेदर मेंस्ट्रुअल कप इज़ सेफ। सो मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही सेफ है, और बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिस्पोजेबल बट यू कैन री यूज़ इट। उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, उसको वॉश कर दो, क्लीन कर दो। और बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप जो है वो एक साधन है कि जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कलेक्ट होता है, और जनरली आप विद इन 2 to 3 months में आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद आपको मेंस्ट्रुअल कप चेंज करना है। अगर ज़्यादा फ्लो है तो आप 6 घंटे में 8 घंटे में मैक्सिमम 12 घंटे में मेंस्ट्रुअल कप चेंज कर दें। सो 12 घंटे मतलब दिन में 2 बार आपको मेंस्ट्रुअल कप चेंज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फ्लो कितना है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अगर ज़्यादा है तो फिर आपको उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। और क्वेश्चन है हमारे पास, टेकिंग फूड लाइक कर्ड, टर्मरिन एंड पिकल्स डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लो, इज इट ट्रू और नॉट? सो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान आप हल्दी, दही, पिकल्स वगैरह सब खा सकते हो। जनरली ये जो चीज़ है, पिकल्स है या तो कर्ड है, यह सब बहुत ही न्यूट्रिशियस है। जैसे उसमें खट्टा रहता है, उसमें विटामिन सी रहता है, सो आपकी इम्यूनिटी के लिए उसमें मतलब इम्यूनिटी के लिए वो अच्छा है। प्लस कर्ड जो है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस रहते हैं तो वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करते हैं। सो यह एक अगेन मिथ है और अपने को इसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप कर्ड, टर्मरिन एंड पिकल्स वगैरह ले सकते हो। दूसरा है कि मैम, कैन अनमैरिड गर्ल्स कैन यूज़ द मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पून्स? यस, अनमैरिड गर्ल्स और कैन यूज़ मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज में आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कि दिस आर द मेंस्ट्रुअल कप्स, और यह जो है दिस इज़ अ लार्ज साइज मेंस्ट्रुअल कप, और उसे जो यूज़ करना है जैसे इसको आप फोल्ड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करके इसे आपको इंसर्ट करना है इनसाइड द वजाइना, और जैसे अंदर जाके यह जो मेंस्ट्रुअल कप है वो ओपन अप हो जाएगा और यह जो है वो सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, और जो भी फ्लूइड आएगा वो इसमें कलेक्ट होगा। जब भी आपको रिमूव करना है तभी जस्ट इसको पिंच करें, ठीक है, एंड देन जस्ट रोटेट एंड रिमूव आउटसाइड। सो यह बहुत ही सिंपल एक साधन है, और इसकी वजह से जो रैशेस वगैरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। और बहुत ही इको फ्रेंडली साधन है, क्योंकि जो जो टैम्पून्स हैं या तो सैनिटरी डिस्पोजेबल पैड्स जो रहते हैं इसके अंदर प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो जितना हो सके उतना लोगों में अवेयरनेस लाना है रिगार्डिंग दी मेंस्ट्रुअल कप। और इसके रिलेटेड भी मेरा एक वीडियो है, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर काजल मांगुकिया, और उसमें काफ़ी सारे गायनेक रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो तो आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर कोई पर्सन है कि जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, सो सैनिटरी पैड जो है उसको आपको 6 से 8 घंटे में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जब भी बाहर एयर के कांटेक्ट में आता है तभी एयर में से ऑक्सीजन वगैरह मिक्स होके उसमें
जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से वो फाउल स्मेलिंग हो जाता है। सो अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ज़्यादा देर तक पैड पे रहता है और वह पैड आप चेंज नहीं करते हो 6 से 8 घंटे में, तो उसके अंदर फंगस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फंगस और बैक्टीरिया, और वह आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो आपको प्राइवेट पार्ट्स में स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप अगर पैड इस्तेमाल करते हो या तो टैम्पून इस्तेमाल करते हो तो उसे 6 to 8 hours में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वी वॉश इज एडवाइजेबल। मैम, वेदर वी वॉश इज एडवाइजेबल और नो? सो वी वॉश इज एडवाइजेबल बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वजाइनल पीएच जो बोलते हैं हम, वो जनरली एसिडिक रहता है। वजाइनल पीएच इसीलिए एसिडिक होता है क्योंकि वहाँ पे लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया रहते हैं, और यह जो बैक्टीरिया है वह जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और बिकॉज ऑफ एसिड नीचे के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें बैक्टीरिया वगैरह या तो दूसरे फंगल इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क कम रहता है। जब भी आप ज़्यादा ऐसे सब केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो आपका जो वजाइनल पीएच है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से भी आपको वजाइनल ड्राइनेस है या तो दूसरे इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क बढ़ सकता है। सो अगर आपको वी वॉश यूज़ करना है तो आप मे बी वंस इन अ वीक या तो अल्टरनेट डेज या ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यह सब केमिकल एजेंट्स रहते हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम जरूर ले सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि हाउ डज मेंस्ट्रुअल हाइजीन अफेक्ट्स इन फर्टिलिटी। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है, आपने सुना होगा कि गर्भाशय का जो मुख रहता है वहाँ पे आप गायनेक चेकअप करवाया है तो कभी आपके डॉक्टर ने बोला होगा कि मुख पे छाले पड़ गए हैं या तो अल्सर हो गए हैं। सो अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है, सो यह जो सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, सो भविष्य में इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह एक रीज़न है कि आपको वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है कि यह जो इन्फेक्शन होता है वह जो इन्फेक्शन है वह सर्विक्स में से फिर ऊपर जाके यूट्रस में चला जाता है, और बाद में यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि जैसे आपको जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ कि यह गर्भाशय का थैली है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों बाजू के ओवरीज हैं। जैसे नॉर्मल किसी को कंसीव करना है तो क्या व्हाट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि जो ओवरीज है उसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। जैसे ही कोई फीमेल है उसका आज पीरियड का फर्स्ट डे है तो दोनों में से एक ओवरी में से एक स्त्री बीज का विकास होना शुरू करता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, 5th day, 10th day, 14वें दिन पे यहाँ पे एग मैच्योर होके रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब में जाता है। यह जो स्पेस है दिस इज अ वजाइनल स्पेस, और यहाँ पे है शुक्राणु रिलीज होते हैं यानी कि स्पर्म रिलीज होते हैं, और अगर स्पर्म का मोटिलिटी अच्छा है तब वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म यूनाइट होके एम्ब्रियो डेवलप होता है, और वह एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर आके फिर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। सो जितने भी पेशेंट हमने देखे हैं कि जिनको बार बार ऐसा वजाइनल इन्फेक्शन या तो सर्विक्स से इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, यह पेशेंट में फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भारत देश में जो हम इन्फेक्शन ज़्यादा देखते हैं फेलोपियन ट्यूब में वो है ट्यूबरक्यूलोसिस, और ट्यूबरक्यूलोसिस का जो इन्फेक्शन है उसमें मैक्सिमम फेलोपियन ट्यूब 80% ऑफ द टाइम फेलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें बच्चा रुकने की संभावना बढ़ जाती है, और इनफर्टिलिटी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन होता है तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हो जाते हैं, अगर वो बंद है तो यहाँ से एग नहीं जा पाएगा, यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाएंगे, और बच्चा रुकने में तकलीफ दे सकता है।
सो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपकी वजाइनल हाइजीन मेंटेन करनी बहुत ही आवश्यक है। इज रेस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? जनरली अगर आप योर क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो तो आई प्रीफर कि ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आपका जो रूटीन काम है वह आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है तो आप मे बी मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, मेफ्टल्स जैसे मैंने बताया, या तो जो गर्म पानी का जो थैली आता है उसका सेक कर सकते हो और थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना रूटीन में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यह पेन कम हो जाएगा। हाउ मच इज अ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है दैट इज 30 ml से लेकर 90 ml, जो पूरा जो पीरियड रहता है 3, 5 या 7 दिन का जो समय है उसमें जो टोटल ब्लड लॉस होता है वो 30 ml से लेके 90 ml तक होता है। वाई इज स्पॉटिंग बिफोर पीरियड? बहुत ही अच्छा सवाल है कि पीरियड्स के पहले स्पॉटिंग किसी को अगर शुरू होता है, सो जनरली अगर आपको स्पॉटिंग शुरू होता है फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे से अगर ब्लीडिंग शुरू होता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो 5 दिन है, 5ों दिन में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि आपका जो बच्चेदानी का अंदर का लाइनिंग जो है वो बहुत ही पतला है और उसकी वजह से आपको स्पॉटिंग हो रही है, सो अगर आपका लाइनिंग वीक है तो आपको स्पॉटिंग हो सकती है। और स्पॉटिंग के पीछे काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि हार्मोनल इंबैलेंस है। इवन जो पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उनमें भी स्पॉटिंग के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा है, उनको भी स्पॉटिंग की समस्या आ सकती है। दूसरा है कि आज मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही बढ़ गया है। जो टीनेजर गर्ल्स हैं उसमें हम काफ़ी देख रहे हैं कि PCOS के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसका जो रीज़न है बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस होता है, और उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्कैंटी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल था कि बहुत ही स्कैंटी पीरियड्स हैं या तो लेट पीरियड्स आ रहे हैं, सो उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहती हूँ कि PCOD जिनको रहता है, PCOS रहता है, ऐसे पेशेंट में इरेगुलर रहते हैं पीरियड्स, स्पॉटिंग होता है, जैसे यह पेशेंट को कम्प्लीटली अफेक्ट करता है फ्रॉम हेड टू टो, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है, फेस पे पिंपल्स आते हैं, फिर जैसे जेंट्स को मुस्टैच एंड बियर्ड रहता है वह एरिया में, फीमेल्स को भी हेयर ग्रोथ दिखने लगता है, फेशियल हेयर, फेस पे पिंपल्स वगैरह आते हैं, सडन वेट गेन दिखता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, उनको प्रेगनेंसी रुकने में भी तकलीफ आ सकती है, उनको डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, थायराइड डिजीज़ का रिस्क रहता है, और फैटी लीवर का भी लॉन्ग टर्म में रिस्क बढ़ जाता है। और PCOS को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको काउंसलिंग किया जाता है कि जैसे अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है, वो भी आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो मेन पार्ट्स हैं कि आपका जो है हेल्दी फूड हैबिट होना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए, आपकी नींद अच्छे से होनी चाहिए। सो जनरली अगर आप यह सब फॉलो करते हो तो आपको हार्मोनल इंबैलेंस के, वेट गेन वगैरह के चांसेस कम हो जाएंगे। व्हेन डज मेनोपॉज बिगिन? सो मेनोपॉज जनरली जैसे पीरियड का मैंने बताया कि पहले 16 साल में होता था, अभी 8 साल में हो रहा है, वैसे ही पहले के ज़माने में पीरियड्स जाने का जो समय था वो 55-60 ईयर्स में पीरियड्स जाते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40 के बाद कभी भी पीरियड जा सकते हैं। काफ़ी पेशेंट हम देख रहे हैं कि बिफोर 40 यानी 35 साल में भी पीरियड्स चला जाता है। सो फ्रेंड्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, फूड हैबिट्स वगैरह जो है उसकी वजह से भी पीरियड्स जल्दी जाने का
समय हो सकता है। सो अगर आप में से किसी की और कोई क्वेरीज है तो हम जरूर से आगे के क्वेश्चंस ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। और अगर आप बाद में भी वीडियो देखते हैं, बाद में भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और आज के दिन हम मेरी इच्छा है कि हम सब एक शपथ लेते हैं कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने आप सबको अभी ही बताया है। सो आप एक शपथ लें कि साल में एक बार आइदर वुमेन्स डे पे, जो आप सबको पता ही है वुमेन्स डे मार्च महीने में आता है, या तो मई महीने में, जैसे अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, सो आइदर मार्च या तो मई महीना, या तो वुमेन्स डे पे या तो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे, कोई भी एक डे आप सिलेक्ट कर लो और साल में एक बार अपना गायनेक चेकअप जरूर से करवाएं, ताकि जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो भी रिलेटेड इन्फेक्शन्स है, डिजीजेज है, वो सब हम प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।